अब देखो, अगर मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ ना स्लिक स्पून काम कैसे करता है, तो अगर तुम कोई स्पेशल अटैकर्स यूज कर रहे हो और तुम अपने मूव से तुम सामने वाले पोकेमॉन पे डैमेज कर रहे हो, तो वो स्लिक स्पून की वजह से सामने वाले पोकेमॉन का स्पेशल डिफेंस 20% इग्नोर कर देगा, तो तुम लोग और भी ज्यादा डैमेज दे सकते हो। और अगर तुम लोग पर्सनली मेरी मानो ना, तो तुम लोग शेल वेल की जगह तुम लोग एटलीस्ट थर्ड जो हेल्थ आइटम रहेगा चॉइस पैक स्लिक स्पून, उसके साथ या तो वाइस ग्लासेस लो या तो एनर्जी एम्पलीफायर लो। एक से तुमको डैमेज मिलेगा, दूसरे से यूनाइट, क्योंकि शेल बेल का जो हील मिलता है वो अभी बहुत ज़्यादा काम भी इफेक्टिवली नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट मेटा में सभी घुस घुस के खेलता है। तो तुम लोग अगर थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे दोगे, या तो तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा यूनाइट आ जाएगा दो तीन बार, तो वो तुम्हारे लिए या तो तुम्हारी टीम के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब तुम लोग इस मैच के स्नोरलैक्स को देख लो, ये बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना मेरे से, इसलिए तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे गेम को गिव अप भी कर दिया था। वो आके बस अपना किल देकर जा रहा था, और मैंने मजाक नहीं कर रहा, एस्पियन और नाइनटेल अभी इतना गलत चल रहा है ना स्लिक स्पून के साथ।